दोस्तों, अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आता है कि हमारे जो एफिलिएट प्रोडक्ट हम जो सेलेक्ट करते हैं उनको कहां पर प्रमोट करना है और किस वे में प्रमोट करना है, ताकि जो है अच्छी सेल जो है हमारी कन्वर्ट हो सके। तो ये जो है एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक एफिलिएट मार्केटिंग वाले के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक दोस्तों देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडिया बाय मंजीत सिंह। दोस्तों, सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, वो आता है कि राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट तो कर लिया हमने, लेकिन उसको राइट जगह पे जो है प्रमोशन अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी जो सेल कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा। तो सेल कन्वर्जन का जो टारगेट है हमारा, वो तभी सक्सेस हो पाएगा अगर हम उसको राइट प्लेस पे जो है उसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों, यहां पे आज मैं आपको इस वीडियो में जो है दो तरह के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बताने जा रहा हूं। एक तो है फ्री प्रमोशंस और दूसरा होता है पेड प्रमोशंस। फ्री प्रमोशन के अंदर भी आपको काफी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और पेड के अंदर तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल ही जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्री वाला बेटर है या पेड वाला बेटर है, तो वो जो है उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फ्री वाले ऑप्शन से। तो सबसे पहला फ्री के अंदर ऑप्शन आता है, वो आता है फोरम्स। दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर फोरम्स बने हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर कुकिंग के लिए हो या इस तरह से एफिलिएट के लिए भी बने हुए हैं। तो आपको जो है गूगल के ऊपर जाके उनको फोरम्स को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो है आपको उन फोरम्स के अंदर जाके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे अपने लिंक जो है वो पोस्टिंग्स करने हैं, और वहीं पे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब देना है, सही जवाब देना है, और वहीं पे जो है आपको अपना एक लिंक भी जो दो चार आप प्रमोट करना चाहते हैं उनको वहां पे पुट अप कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि अगर जिसने वो क्वेश्चन रेज किया है उसको आंसर भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो आपको जो है आपके उन लिंक्स पे क्लिक करके भी आपको कन्वर्जन मिल सकता है। तो दूसरी अगर बात करें फ्री के अंदर, तो वो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में जो है सब आपको करना क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं facebook.com। तो फेसबुक के अंदर आपको जो है एक पेज बनाना है, और एक पेज बनाने के बाद उसमें जो है काफी अच्छे से जो है आपको लोगो बनाना है, उसका जो पूरा बैकग्राउंड एक बैनर होता है वो आपको रेडी करना है, और रेडी करने के वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको वहां पर जो चीजें पोस्ट कर रहे हो वो आपको अलग अलग अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स वगैरह हैं उनके साथ टैगिंग करना है। टैगिंग करने से ये होगा कि लोगों तक उस पेज की जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी, और कोशिश हमेशा यही करनी है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों तक पहुंचा पाए, तभी जो हम वहां पे पोस्टिंग कर रहे हैं तभी हमें पता चल पाएगा। अगर उसको भी हम जो है कहीं पे और नहीं डाल पा रहे हैं तो हम हमारी प्रोफाइल है हमारी जितने भी वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, अगर पेज नहीं बना सकते हैं तो पेज बनाने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, बहुत ही फ्री क्या अवेलेबल है। तो हम जो है इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर आपका इंस्टाग्राम भी आ जाता है, ट्विटर भी आ जाता है, प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, फिर आपका जो है फेसबुक वगैरह आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जिसके जरिए आप ग्रुप बना बना के भी जो है प्रमोशंस कर सकते हैं। तीसरा, अगर मैं फ्री के अंदर बात करूं तो आप जो है एक अपने कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जो एफिलिएट के हैं, वहां पे जो है उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में आप सर्च कर लीजिए, उनकी क्वालिटीज नोट कर लीजिए, उनके प्राइस जो है, ऑफर्स जो है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है उन प्रोडक्ट्स को लेके आप जो है एक यूट्यूब के लिए वीडियो बना दें, यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करें और वहां पे उस वीडियो को अपलोड करें, रेगुलर आप जैसे करेंगे, और जो जो प्रोडक्ट आप उस वीडियो के अंदर प्रमोट कर रहे हो उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है आपको क्या करना है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का जो एफिलिएट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। तो ये भी एक तरीका है जहां से काफी अच्छा जो ट्रैफिक आपके एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आता है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। अगर चौथी बात करें तो आप जो है अपनी खुद की पेड, या फिर पेड तो डेफिनेटली अलग वर्जन है उसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन फ्री की वेबसाइट बना के जैसे कि blogger.com हो गया, wix.com हो गया, इन पे जो है आप फ्री की वेबसाइट बना के जो है वहां पर ऑटो ब्लॉगिंग के जरिए जो है आप पोस्टिंग कर सकते हैं, मैनुअल पोस्टिंग्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वहां से भी आपको अर्निंग हो सकती है।
और मैं पांचवा अगर बात करूं फ्री के अंदर तो वो है ईमेल मार्केटिंग। अगर आपके पास कुछ डेटाबेस अवेलेबल है तो आप जो है जब भी आपको नए प्रोडक्ट अच्छे ऑफर्स आए तो आप जो है एक अच्छा सा बैनर डिजाइन करें, एक पूरा टेम्पलेट डिजाइन करने के बाद ईमेल के जरिए उसको भेज दें। तो उसमें आपको जो है कुछ अलग अलग ईमेल बनाने पड़ेंगे क्योंकि फ्री में जो है आपको जो है चाहे वो जीमेल हो या कोई भी हो आपको कुछ 50 ईमेल ही फ्री भेजने देता है, उसके बाद भेजने नहीं देता है। तो आप जो है ये चीज कर सकते हो। अब ईमेल को जो किस तरह से आप कैंपेन के एक ही शॉट के अंदर आप सारी चीजें कर सकते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। तो ये था फ्री के अंदर पांच ऑप्शन जो मैंने आपको बताए। पहला हमने बताया फोरम्स का, दूसरा हमने सोशल मीडिया, तीसरा यूट्यूब वीडियो, फिर वेबसाइट और जो कि ब्लॉगर के ऊपर, और फिर पांचवा मैंने बताया आपको ईमेल के जरिए जो है आप फ्री में प्रमोशंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेड वर्जन्स की तो पेड के अंदर तो आपको चार ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है गूगल एडवर्ड जो कि बट ऑब्वियस है क्योंकि पेड है तो उसका इफेक्ट भी काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप गूगल का एडवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके वहां पे एड कैंपेन चला सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के ऊपर क्योंकि सोशल में काफी ज्यादा अच्छा चलता है तो आप सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर या फिर और भी जितने भी सोशल मीडिया आपको एड कैंपेन चलाने का मौका देते हैं तो आप वहां पे एड प्रमोट कर सकते हैं, एड लगा सकते हैं। फिर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो एक बना के उसको जो है गूगल के एडवर्ड से उसको लिंक करके जो है एक वीडियो ऐप एड जो है वो भी आप रिलीज कर सकते हैं, उसके काफी अच्छा आज की डेट में आपको रिटर्न मिलता है। और पांच चौथा अगर मैं बात करूं तो वो है आपका क्या कहते हैं पेड ईमेल कैंपेन्स। तो पेड ईमेल कैंपेन्स के लिए बहुत सारे आपको आज की डेट में सस्ते 7-8 हजार रुपए में आपको जो है करीब 1.5 से 2 लाख ईमेल जो आपको सेंड करने के लिए मिल जाते हैं। वहां पे आपको काफी अच्छे पैनल्स भी मिल जाते हैं, डिजाइन मिल जाते हैं जहां पे आपको अलग अलग अपने ऑफर्स वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह आप जो है अटैच करके उसमें उसी के अंदर इंसर्ट करके काफी अच्छा लुक उसका बना के वहीं से शूट कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है पेड का। और डेफिनेटली अब बात कर लेते हैं कि फ्री वाला ऑप्शन जो है बेटर है या पेड वाला। तो डेफिनेटली अगर बिगनर है आपके पास पैसा का कोई आपको बैक सपोर्ट या फाइनेंशियली आपके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है तो आप फ्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा अग्रेसिवली आपको काम करना पड़ेगा तभी जाकर जो है आपको वहां से रिटर्न्स मिलेंगे। अगर बात करें हम पेड की तो पेड तो डेफिनेटली इफेक्टिव होने ही वाला है। तो पेड तो आप जो है जब भी स्टार्ट करेंगे आपको कन्वर्जन रेशियो जो है डेफिनेटली मिलने ही वाला है चाहे वो किसी भी तरह का पेड आप यूज करें। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं अगर फ्री वाले के अंदर आप अगर कुछ कम एक ऑडियंस जो है अगर बना पाते हैं तो फ्री के अंदर भी आप ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते हो। फ्री के अंदर भी अगर आप ऑडियंस एक बना ली है तो आपको डेफिनेटली वहां से जितने भी प्रोडक्ट आप वहां पे पोस्ट करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलता रहेगा। सो दोस्तों यही थे कुछ खास आज के अपडेट कि आपको जो है एफिलिएट प्रमो लिंक जो है वो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं चाहे वो फ्री है चाहे पेड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।